पनावड़ा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकॉन बटन को पाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट को। समदड़ी रामनवमी महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया, कस्बे से निकली शोभा यात्रा। बाड़मेर समदड़ी कस्बे में रविवार को रामनवमी महोत्सव को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, एबीवीपी, आरएसएस सहित विभिन्न संगठनों ने जोश और राम के जयकारों के साथ उत्साह पूर्वक शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में युवा सफेद पोशाक पहने, सिर पर तिलक लगा और गले में भगवा दुपट्टा फहराते हुए रैली में शामिल हुए। सर्वप्रथम भगवान श्री राम के मंगल आरती के साथ डीजे की धुन पर युवा नाचते गाते बजरंग वाटिका से प्रारंभ होकर भगवान श्री राम के जयकारों के साथ कस्बे के विभिन्न मार्ग, बस स्टैंड, गोरका चौक, बावड़ी होते हुए गोविंद राम जी की बगीची पहुंची। रैली का रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा से रैली का स्वागत हुआ। रैली निकालने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समदड़ी पुलिस थाना जाप्ता मौजूद रहा। शोभा यात्रा में विभिन्न समाज से लोगों ने भाग लिया। आगे आगे डीजे की धुन पर युवा नाचते गाते चल रहे थे और पीछे शोभा यात्रा में शामिल 35 सेकंड 40 ट्रैक्टर चल रहे थे। ट्रैक्टरों में विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां सजी थी। चारों ओर भगवान श्री राम के जयकारों से कस्बा गूंज उठा। शोभा यात्रा में विभिन्न संगठनों ने अलग अलग करतब दिखाए। कोई तलवार लेकर तो कोई लाठी लेकर करतब दिखा रहे थे। कार्यक्रम के अंतिम में श्री 1008 गोविंद राम जी महाराज बगीची में श्री 1008 नरसिंह दास जी महाराज ने भगवान राम आरती की और झांकी में भाग लेने वालों को दीवार घड़ी रतनलाल लखारा की तरफ से पुरस्कार दिया गया। इस शोभा यात्रा में गोविंद राम जी बगीची के गादीपति निशिकदास महाराज, श्री रामद्वारा आश्रम के क्षमाराम महाराज, श्री माली समाज के कृष्णानंद महाराज, विश्व हिंदू परिषद के तहसील अध्यक्ष विजयरा जसोनी, भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष निरुद्ध राठौड़, भाजपा मंडल महामंत्री राम सिंह करनोत, पूर्व सरपंच बाबूलाल माली, शिवसेना तहसील प्रमुख छगन सिंह कोटड़ी, अशोक कुमार राजपुरोहित, शिवनारायण श्री माली, किरण राज, दलीचंद माली, दिलीप सोनी, रतनलाल लखारा, भंवर भारती, नटवर सोनी, दिलीप लखारा, संदीप अग्रवाल, कमाराम सहित ग्रामीण उपस्थित थे। समदड़ी से पनावड़ा टीवी के लिए राजेश भाटी की रिपोर्ट।